हाय गाइस, तो आज की वीडियो में मैं करूंगी एक मैट मेकअप लुक जो कि समर के लिए बहुत ही अप्रोप्रिएट होगा। इसमें मैंने कोई भी फाउंडेशन और बीबी क्रीम का यूज नहीं किया है। सो इफ यू वांट टू नो कि कैसे करते हैं ये वाला मेकअप लुक क्रिएट, देन प्लीज कीप ऑन वॉचिंग। सो नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोइंग टू अप्लाई आइस क्यूब ऑन माई फेस। मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि आइस क्यूब आपके फेस को बहुत ही ज्यादा कूल डाउन कर देती है, और जब आपका फेस कूल डाउन हो जाता है आपके पोर्स से ऑयल सिक्रेशन भी डिले हो जाता है। मैं ये नहीं कह रही कि आपका ऑयल सिक्रेशन बिल्कुल 100% चला जाएगा, बट जैसे अगर आपका ऑयल सिक्रीशन 2-3 आवर्स में हो जाता है, ये उसको डिले कर देगा और आपका मेकअप 6-7 आवर्स के लिए हो जाएगा। सो आई एम क्विकली गोइंग टू वाइप माई फेस एंड नाउ इट्स टाइम फॉर द प्राइमर। मैं यहाँ पे पोर प्राइमर यूज कर रही हूँ क्योंकि हमारा पोर प्राइमर हमारे पोर्स को फिल कर देता है, और जब हमारे पोर्स फिल हो जाते हैं तो वो ऑयल सिक्रीशन भी डिले हो जाता है, ऑयल सिक्रीशन कम हो जाता है। क्योंकि ये स्वेट प्रूफ और ऑयल प्रूफ मेकअप है, तो यू जस्ट वाना मेक श्योर कि आपके पोर्स जो है वहाँ पे ऑयल सिक्रीशन ना हो। तो हमको यहाँ पे पोर्स की तरफ कॉन्सेंट्रेट करना होगा क्योंकि पोर्स से ही हमारा ऑयल भी आता है। और फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोइंग टू स्प्रेड इट ऑन माई फेस एंड देन आई एम गोइंग टू डैब इट इन टू माई स्किन। डैब करने से आपके पोर्स ईजिली फिल हो जाएंगे। हमारी स्किन प्रेप हो चुकी है, इट्स टाइम टू डू आर बेस मेकअप। उसके लिए मैं ये क्रीम टू पाउडर कॉम्पैक्ट यूज कर रही हूँ। नाउ ये क्रीमी फॉर्मूला है बट ये सेट पाउडर में होता है, तो समर सीजन के लिए ये बहुत ही अप्रोप्रिएट है क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल ये बहुत ही लाइट वेट है और ये आपकी स्किन को भी बहुत ही एक अच्छी सी फ्लॉलेस लुक देता है। इसकी कवरेज बहुत अच्छी है और द गुड थिंग इज कि ये क्रीम टू पाउडर फॉर्मूला है, तो जब ये सेट होगा तो ये पाउडर में सेट होगा, और ऑनेस्टली समर्स में पाउडर्स हमारे बेस्ट फ्रेंड होते हैं। तो आप देख सकते हो इसकी कवरेज भी बहुत अच्छी है, इसके साथ एक पफ भी आता है, बट आई लाइक टू प्रेफर ब्यूटी ब्लेंडर। मैं ब्यूटी ब्लेंडर से इसको ब्लेंड कर लूंगी बहुत ही अच्छे से, एंड यू कैन सी कि इसकी कवरेज भी बहुत ही अच्छी है और इसका जो शेड है वो मेरे शेड से बहुत ही अच्छे से मैच भी कर जाता है, मेरी नेक से बहुत अच्छे से मैच करा है इसका शेड। नाउ आई एम गोइंग टू लेयर इट अंडर माई आई अ लिटिल बिट, क्योंकि आप देख सकते हो मेरे थोड़े से डार्क सर्कल्स हैं, तो आई वॉन्ट टू मेक श्योर कि वहां पे थोड़ी सी मुझे कवरेज और मिले, तो मैं अपने अंडर आईज पे थोड़ा सा प्रोडक्ट और लगा रही हूँ। और क्योंकि मैं ये ब्यूटी ब्लेंडर से लगा रही हूँ, ब्यूटी ब्लेंडर से आपको पता ही होगा कि एक बहुत ही फ्लॉलेस फिनिश आती है और केकी लुक नहीं देता है। सो नाउ आई एम गोइंग टू अप्लाई दिस वेट एंड वाइल्ड फोटो फिनिश कंसीलर। ये बहुत ही ब्यूटीफुल फिनिश का कंसीलर है, ये मैट सेट होता है। लाइक कुछ कंसीलर्स होते हैं जो कि क्रीमी होते हैं, तो समर्स में आपको क्रीमी कंसीलर से दूर रहना है। ये वाला कंसीलर जो है वो बिल्कुल मैट सेट होता है आपकी स्किन पे, तो इसीलिए ये बिल्कुल भी बच नहीं करेगा और ऑयली लुक नहीं देगा। नाउ मैं इसको ब्यूटी ब्लेंडर से ही ब्लेंड आउट कर लूंगी ताकि मुझे कवरेज भी मिल जाए और जो भी एक्स्ट्रा प्रोडक्ट हो वो पिक भी हो जाए, क्योंकि समर में हमको केकी लुक नहीं चाहिए होती है, तो जो भी एक्स्ट्रा प्रोडक्ट होगा जब वो लिफ्ट अप हो जाएगा आपके फेस से, जब वो चला जाएगा तो आपकी लुक केकी भी नहीं आएगी। इट्स टाइम टू सेट आर कंसीलर्स, क्योंकि सेट करना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। सो उसके लिए मैं ये पफ यूज कर रही हूँ अपनी अंडर आईज के लिए, क्योंकि जब आप पफ से अपना पाउडर सेट करते हो तो आपको ज्यादा पाउडर पिकअप होता है। पफ जो होता है वो ज्यादा पाउडर पिकअप करता है और जो ब्रश होता है वो कम पाउडर पिकअप करता है। तो मैं अपनी अंडर आईज के लिए मैं चाहती हूँ कि मुझे ज्यादा पाउडर आए क्योंकि वहां पर मेरी मैक्सिमम क्रीसिंग होती है, तो वहां पर मैं पफ यूज करूंगी। एंड फॉर द रेस्ट ऑफ माई फेस आई एम गोइंग टू यूज माई ब्रश। जो ब्रश होता है वो बहुत ही लाइटली आपकी स्किन के ऊपर पाउडर को अप्लाई करता है। सो नाउ इट्स टाइम टू फिल इन माई आईब्रोज। मैं ये वाला कलर लेके अपनी आईब्रो को फिल करूंगी। नाउ इफ यू वॉन्ट टू यूज अ आईब्रो पेंसिल आप वो भी यूज कर सकते हो। आईब्रो को फिल इन करने के लिए पहले मैं एक नीचे स्ट्रेट लाइन अप्लाई करूंगी, देन ऊपर एक स्ट्रेट लाइन अप्लाई करूंगी, और जो भी स्पार्स एरियाज होंगे बाद में उसको फिल कर दूंगी। तो ये बहुत ही सिंपल रहता है, कुछ भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। यू जस्ट वाना मेक श्योर कि आप बहुत ही थोड़ा सा प्रोडक्ट ले रहे हो और बहुत ही अच्छे से उसको ब्लेंड करो और छोटे छोटे स्ट्रोक्स में अप्लाई कर रहे हो, ताकि आपका जो आईब्रोज है वो बहुत ही हार्श ना लगे। सो नाउ आई एम गोइंग टू टेक दिस कलर एंड आई एम गोइंग टू अप्लाई इट ऑन माई क्रीज। आप देख सकते हो मैंने मिरर अपने फेस से बिल्कुल नीचे पकड़ा हुआ है ताकि मैं आप इजिली अपनी लिड को देख सकूं। जब आप सामने से अपना मिरर पकड़ते हो आप अपनी लिड नहीं देख पाते हो, तो मैं ये वाला कलर अपनी क्रीज के अंदर अप्लाई करूंगी और थोड़ा सा अपनी लिड के पास भी लेके जाऊंगी। सो इट्स टोटली फाइन। ये वाला कलर लेके अपनी ऑल ओवर माई आईलिड अप्लाई करूंगी, और मैं थोड़ा जहां पे मैंने क्रीज कलर अप्लाई किया है उससे थोड़ा सा नीचे रहूंगी, क्योंकि आई वांट टू मेक श्योर कि ये बहुत ही एक स्मूथ सा एक ट्रांजिशन रहेगा, डार्क से लाइट का एक ट्रांजिशन बहुत ही स्मूथ रहे। इसलिए पहले मैंने लाइटर कलर अपनी क्रीज में अप्लाई किया है एंड देन डार्कर कलर अपनी लिड पे अप्लाई किया है। नाउ आई एम गोइंग टू अप्लाई माई मस्कारा एंड आई एम गोइंग टू फिनिश ऑफ दिस लुक। तो मैं ये मेबेलिन कोलोसल वॉल्यूम एक्सप्रेस मस्कारा अप्लाई कर रही हूं, क्योंकि ये बहुत ही लाइट वेट रहता है, बिल्कुल भी क्लम्पी नहीं रहता है और बहुत ही ब्यूटीफुल एक लुक देता है, और ये आपके आईलैशेस पे बहुत ही नेचुरल भी लगता है और उसको फुल लुक भी देता है। प्लस ये वाटरप्रूफ है, तो समर में वाटरप्रूफ मस्कारास होना बहुत ही जरूरी रहता है।
नाउ डन, बहुत ही सिंपल सा ही लुक था। एंड नाउ आई एम गोइंग टू टेक दिस कैलिफोर्निया ब्लश, ये बहुत ही ब्यूटीफुल पीची ब्लश है, एंड आई एम गोइंग टू लेयर इट ऑन माई चीक्स। नाउ ब्लशेज जो होते हैं वो कभी कभार ब्लेंडेबल नहीं होते हैं, तो यू वाना मेक श्योर कि आप उसको लेयर करो, थोड़ा थोड़ा अप्लाई करो, उसको ब्लेंड करो, क्योंकि जब आप एक बारी में बहुत सारा प्रोडक्ट लेते हो तो वो आपकी चीक्स पे एक जगह पे बैठ जाता है और ब्लेंड नहीं होता। एंड नाउ आई एम गोइंग टू टेक दिस सेवन सीज लिपस्टिक, ये मुझे एक सब्सक्रिप्शन बॉक्स में आई थी, तो मैं ये मुझे बहुत ही ब्यूटीफुल सा कलर लगा, सो आई एम जस्ट गोइंग टू अप्लाई दिस। क्योंकि ये डार्कर कलर है, मैं बहुत ही केयरफुली इसको अप्लाई कर रही हूँ। आप चाहे तो आप लिप लाइनर का भी यूज कर सकते हो, बट फॉर मी इट्स टोटली फाइन, मैं ऐसे ही अप्लाई कर लेती हूँ। तो इस वीडियो में मैं हाइलाइटर नहीं अप्लाई कर रही हूँ, बट अगर आप चाहते हो करना तो आप कर सकते हो, क्योंकि ये मैट लुक था तो इसलिए मैंने हाइलाइटर को स्किप किया। एंड आई एम गोइंग टू टेक दिस मेकअप रेवोल्यूशन फिक्सिंग स्प्रे, ये है ऑयल कंट्रोल के लिए, तो मैं इससे अपने फेस मेकअप को सेट कर लूंगी। तो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइस, अगर आपको अच्छी लगी हो देन डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू माय चैनल इफ यू हैवंट ऑलरेडी, मेक श्योर टू फॉलो मी ऑन माय इंस्टाग्राम अकाउंट, एंड आई विल सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो। बाय।